नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल है फरमन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, जैसे गुप्त प्रॉब्लम कोई भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए जोनी से दुर्गंध आ रहा है, जहाँ मतलब सफ़ेद बर्तन हो रहा है आपको, जिसको लकोरिया वगैरह बोलते हैं, वो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरा चैनल आपने है फरमन वाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो भी हम लोग डालें आपके पास सबसे पहले उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सफ़ेद पर्दर के बारे में। जिनको सफ़ेद पर्दर की प्रॉब्लम है, लकोरिए की प्रॉब्लम है, जहाँ मतलब जोनि से दुर्गंध आता है, जहाँ मतलब आपका जो आप संभोग करते हैं तो संभोग करने के लिए मन नहीं करता है, तो उस सब प्रॉब्लम के लिए आपको एक ही औषधि बताएंगे और वो आपने घर में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने परहेज क्या करना है, परहेज जैसे खटाई वगैरह का परहेज आपने करना है, खटाई नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है आपने, और मीट का सेवन बिल्कुल बंद करना है, मीट भी नहीं खाना है, और जैसे तलिया चीज़ों का सेवन भी आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इसी के साथ आपको जितना भी दूध मिले वो आप दूध जरूर ले सकते हो, दूध पी सकते हो, दूध का कोई दिक्कत नहीं है, हल्का गुनगुना पानी पी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, एक औषधि मैं आपको बता रहा हूँ, अश्वगंधा आपने लेनी है 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, अशोक का छाल ले दीजिएगा 50 ग्राम, और नाग केसर लेना है आपने, असली देख कर लेना है, असली नाग केसर असली, वो भी 50 ग्राम आपने ले लेना है, और बबुल की फली लेनी है आपने 50 ग्राम। इन चार चीज़ों को आपने क्या करना है, एक जान करना है, लोहे की बर्तन से आपको कूट कर इसको एक जान कर लेना है, बिल्कुल ब्रिक पाउडर बना लेना है, उसको कपड़ छान कर लेना है। कपड़ छान करने के बाद आपको 1 ग्राम पाउडर सुबह और 1 ग्राम पाउडर शाम को गाय के दूध के साथ आपने इसका सेवन करना है। तो देखिएगा आपकी कमर दर्द की प्रॉब्लम, पिंजनिया दर्द करने की प्रॉब्लम, जो आपके घुटनों से नीचे जो टंगड़िया दर्द करती है, तो वो टांग दर्द की प्रॉब्लम और सिर दर्द की प्रॉब्लम, जहाँ मतलब आपको सफ़ेद पानी से थकावट ज़्यादा रहती है, कमजोरी ज़्यादा आई तो वो कमजोरी की प्रॉब्लम, सफ़ेद पानी पड़ने की प्रॉब्लम, और जैसे मान लीजिए संभोग के समय आपका मन नहीं है वो प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम ये जो औषधियाँ हैं बिल्कुल आपकी ठीक कर देगी। यदि किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप जो उसका अजमा कर देख सकती हो, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने नियर डियर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर।